नमस्कार, मैं हूँ आपकी सुनाते दोबारे। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों का। ठाणे शहर में एक बार फिर मोबाइल चोरी की वजह से एक महिला की दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक मौत हो गई है। ठाणे शहर के यातायात से अति व्यस्त तीनहात नाका फ्लाईओवर से मुंबई हाईवे पलकी और जाने वाले रास्ते पर स्थित ओपन जिम के सामने घटना घटी है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ऑटो रिक्शा से सांताक्रूज जा रही महिला के मोबाइल को जब मोबाइल चोर ने जबरन छीनने की कोशिश की, तब वह महिला चलती ऑटो रिक्शा से रास्ते पर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से सर पर गंभीर चोट लगने से उसे तुरंत इलाज के लिए कलबा अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां घटनास्थल पर ही उसकी मौत होने की जानकारी डॉक्टर ने दी है। ठाणे शहर के प्रसिद्ध विवियाना मॉल में एक स्पा में ब्यूटीशियन की नौकरी करने वाली दो महिला कन्मिला रायसिंह तथा ललगुड़सांगी मूल मणिपुर और मिजोरम राज्य से रहने वाली है। इस मामले में ठाणे शहर के नोपाड़ा पुलिस स्टेशन और अपराध शाखा ने संयुक्त रूप से तहकीकात कर भिवंडी में रहने वाले अल्केश परवेज और मोमिन अंसारी और सोहेल रमजान अंसारी नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस अभी भी आगे मामले की जाँच में जुटी है। 9 तारीख को रात के 8 बजे के 8 बजे के करीबन दो महिलाएं जो स्पा में काम करती थी, वो उनका काम ख़त्म करके विवियाना मॉल के यहाँ से रिक्शा में बैठ के कलीना जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे वो जा रहे थे। तीनहात नाका जो एरिया आता है थाना में, वहाँ ब्रिज के नीचे लेफ्ट हैंड साइड से पल्सर गाड़ी पे दो अज्ञात इसम ने जो मयत लड़की है उसका मोबाइल स्नैच किया और उसी दौरान वो लड़की का वो रिक्शा से गिरने की वजह से उसके सिर पे चोट आई। उसी वक्त जहाँ पे वो वारदात के मौजूद वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने तुरंत उसको अस्पताल में दाखिल किया, लेकिन उसकी वो गहरी चोट के वजह से वो उनका मृत्यु हो गया। 24 घंटे के अंदर हमने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वो दो आरोपियों का नाम ऐसा है, अल्केश उर्फ परवेज मोमिन अंसारी जो भिवंडी का रहने वाला है, उसके साथीदार सोहेल रमजान अंसारी को भी हमने गिरफ्तार किया है, वो भी भिवंडी का रहने वाला है। इन दोनों के पास से हमने जो पल्सर गाड़ी जो गुने में इस्तेमाल की गई थी उसको हमने बरामद किया है, साथ ही जो मोबाइल उसने स्नैच किया था ओप्पो का, वो मोबाइल भी हमने आरोपी के पास से सीज किया है। पूरे 24 घंटे के जो हमारा ऑपरेशन था उसमें हमारे एसीपी नीता पाडवी मैडम, पीआई मांगले साहब, पीआई शिरसागर, पीएसआई लबड़े बाराहते और सवान की टीम ने बहुत ही अच्छी कामगिरी की है। उसके हमारे एडिशनल सीपी कुंभारे साहब ने 25,000 रुपए का रिवॉर्ड भी उन लोगों को टीम को जाहिर किया। उनके ऊपर कोंडगांव पुलिस स्टेशन और नारकोली पुलिस स्टेशन में मोबाइल चोरी के पुराने ऑफेंस रजिस्टर्ड है। आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी कोर्ट में से उनको 5 दिन की कस्टडी मिली है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे उन्होंने क्या किया है और कहां का ऑफेंसेस किए इसकी तहकीकात हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन में पूरा डिटेल्स हमको पता चलेगा।